नमस्कार दोस्तों, थ्री पीस पिनाइल इम्प्लांट, हाइड्रोलिक पिनाइल इम्प्लांट या पंप वाला पिनाइल इम्प्लांट ऐसा पिनाइल इम्प्लांट है जिसको आप जब चाहे इरेक्शन कर सकते हैं और जिसको जब चाहे हम डिफ्लेशन कर सकते हैं। पर इस इम्प्लांट के बारे में कई तरह की मिथ्या है, मिसकंसेप्शन है। इस इम्प्लांट को कब चूज़ करें, क्योंकि ये इम्प्लांट एक तो महंगा है, दूसरा है कि इसके बारे में मिथ्या है कि ये ख़राब होता है या ये इम्प्लांट प्रॉपरली काम नहीं करता है। तो हमारे पास एक मरीज़ है जिनका हमने तकरीबन 3 साल पहले कोविड के काल के बाद 3 पीस पिनाइल इम्प्लांट किया था। पिछले 3 साल से डिजिकॉन इन्फ्ला 10AX इम्प्लांट लगाया था। इम्प्लांट लगाने के बाद इरेक्शन भी ठीक हुआ, फैमिली भी विस्तार हुई। तो आज हमारे साथ हैं, हम सिर्फ इनसे जानेंगे कि 3 पीस पिनाइल इम्प्लांट के बारे में कि कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस, इम्प्लांट का यूजेज कैसा है, इम्प्लांट के साथ जो इंटरकोर्स है वो किस तरीके से होता है, और इस इम्प्लांट को चूज़ करने के लिए इनके मन में क्या क्वेश्चन डाउट थे जो उन्होंने सॉल्व किए। क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन इन्होंने अपने मन से या रिसर्च से सॉल्व किए, वही क्वेश्चन ज़्यादातर मरीजों के होते हैं। तो वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। सो डिजिकॉन इन्फ्ला 10AX जी, 3 पीस पिनाइल इम्प्लांट आपने तकरीबन 3 साल पहले लगाया, अभी तक का एक्सपीरियंस उसका कैसा है? सर, मेरा एक्सपीरियंस जैसे 2021 में आपने मुझे इम्प्लांट किया था, मैंने इम्प्लांटेशन शुरू किया था। उसके बाद से मैरिज हुई मेरी। मैरिज के बाद में मतलब जैसे जो आपका फर्दर जो आप कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, आप मुझे रेगुलर व्हाट्सएप पे गाइड करते रहे कि किस तरीके से करना है, क्या कैसे उसको हैंडल करना है, स्वेलिंग्स और सिल्का पैक्स उसकी सिकाई, ये सब चीज़ें मैनेज हो गया बहुत अच्छी तरीके से। मैरिज हुई, बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री आउटकम था उसका, और मतलब द क्वालिटी ऑफ सेक्स इज़ फार बेटर देन व्हेन यू आर हैविंग अ नॉर्मल पेनिस। ये जरूर रहता है कि एक चीज़ है कि वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन वाला एक मैकेनिज्म है, तो वो स्पॉन्टेनियटी नहीं होती है, लेकिन द क्वालिटी ऑफ सेक्स इज़ फार बेटर। तो हम जानेंगे, जैसे आपने बोला क्वालिटी ऑफ सेक्स इज़ फार बेटर, तो आपने कुछ समय इरेक्टाइल डिसफंक्शन के साथ ही बिताया जी, फिर आपने इम्प्लांट चूज़ किया जी। तो एक स्टडी आई थी रिसेंटली जो कहती है कि जो मरीज इम्प्लांट चूज़ करते हैं वो कई बार ये कहते हैं कि हमने पहले कराना था, हम इतने साल सफ़र नहीं करते जी। क्या आपका भी सिमिलर मानना है? सर, अगर आपको जैसे ये प्रॉब्लम जब भी शुरू हो रही है, तो जो भी आपके कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट रहता है उसको आप फॉलोअप करने के बाद अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो मुझे मेरा ये अपना निजी मानना है कि आपको देरी नहीं करनी चाहिए उसमें। जो आपको डिसीजन लेना है वो जितना जल्दी लेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आप तो ये यंग है, आपकी तो नई मैरिज थी जी। कई लोग कहते हैं कि इम्प्लांट तो सिर्फ बूढ़े मरीजों के लिए है जी जी, ठीक है, और इम्प्लांट के साथ आप नई शादी को सक्सेसफुल नहीं कर सकते जी, क्योंकि वर्जिन है वाइफ और जी, नई जी, जी। तो आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ इम्प्लांट के बाद ही शादी हुई, तो नई शादी थी, तो आपको इस इम्प्लांट की वजह से कभी कोई डिसेबिलिटी महसूस हुई? नहीं सर, ऐसी डिसेबिलिटी मुझे कभी नहीं लगी मुझे, और ऐसा भी नहीं था कि कोई चीज़ में बहुत ज़्यादा हिडन था। आई वॉज ओपन इन माई ब्रीफिंग विद माई वाइफ और शी वॉज वेरी एकोमोडेटिंग। और दूसरी चीज़ ये है कि जो क्वालिटी ऑफ सेक्स और जो आपका धीरे धीरे आप यूज टू हो जाते हैं उस चीज़ के, तो वो आपको सब अच्छा लगने लगता है। इसमें सेटिस्फेक्शन रेशियो जो है वो बहुत हाई रहता है। और उसके बाद जैसे कई लोग कहते हैं कि इम्प्लांट के बाद हम बेबी कंसीव कर पाएंगे या नहीं, मेरे तो अभी रिसेंटली 25 दिसंबर को माय वाइफ वाज ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय और आई वाज वेरी हैप्पी। तो वो तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चीज़ थी उस चीज़ के लिए, तो मैं कुछ भी ये तो इम्प्लांट तो क्या कुछ भी कर सकते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन नए बेबी के लिए जी। तो इम्प्लांट के बाद क्वेश्चन जैसे आता है कि इम्प्लांट के बाद सेक्स की क्वालिटी में 2 चीज़ें होती है, एक होता है हार्डनेस जी, एक होता है पेनिट्रेशन जी, एक होता है एंजॉयमेंट ऑर्गेजम जी और डिस्चार्ज जी। क्या सब चीज़ें नॉर्मल महसूस होती हैं? बिल्कुल नॉर्मल महसूस होती हैं, और इनफैक्ट आपका जो मैं ये कहूँगा कि जो आपका इजैकुलेशन प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही उसमें सेंसेशन महसूस होता है, उसमें ज़्यादा ही आपको मतलब आनंद महसूस होता है। टाइमिंग में भी फर्क पड़ा आपको जी? टाइमिंग बढ़ जाती है, जो अगर आपका जैसे रेगुलर आपका जब पेनिट्रेशन करते हैं और आपका जो घर्षण रहता है उसमें आपके थोड़ा मतलब आप जल्दी जो इजेकुलेशन की संभावना बनी रहती है आपकी, लेकिन इसके साथ में टाइमिंग बढ़ती है, टाइमिंग काफ़ी बढ़ जाती है और एक कंसिडरेबल टाइम जो होता है सेक्स को आप दे सकते हैं। अच्छा, इम्प्लांट की वजह से कोई यूरिन में दिक्कत आई हो कभी आपको? नहीं, आज तक तो कभी नहीं आई। तो जैसे आप कॉर्पोरेट जगत से है, आप प्रोफेशनली एक्टिव जी, है जी, तो क्या कभी इम्प्लांट की वजह से आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई कपड़े पहनने में? नहीं नहीं, आई यूज टू गो टू जिम, मैं टाइट्स भी पहनता हूँ और लेगिंग्स जो जिम के लेगिंग्स हैं वो भी यूज़ करता हूँ,
और साथ में क्या कहते हैं, मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में जैसे फॉर्मल ड्रेसअप है, कैजुअल ड्रेसअप है, रेगुलरली सभी तरह के कपड़े पहनते हैं, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो मुझे अच्छे से याद है जब आपने इम्प्लांट करवाया था उस समय आपका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था जी कि मैं जिम कब स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि आप हेल्दी लाइफस्टाइल जी पसंद करते हैं जी, तो इम्प्लांट के बाद हर तरह का जिम कर पा रहे हैं? हाँ जी, लेग्स स्क्वाटिंग और लेग्स की एक्सरसाइजेस सारी हो रही है और मुझे उसमें कभी कोई इशू आया नहीं ऐसा। ओके, तो आपने जिम भी किया, आपने शादी भी करी, आप करियर में भी सक्सेसफुल है जी, तो इम्प्लांट की वजह से एक अच्छा सेक्सुअल जीवन जी पा रहे हैं जी। अच्छा, अब जो मेरे श्रोता जानना चाहते हैं कि मैलेबल और इन्फ्लेटेबल, तो मैलेबल इम्प्लांट ऐसा इम्प्लांट है जो रॉड होती है जो अप डाउन होती है जी, और इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट ऐसा इम्प्लांट है जो पंप है जिसमें बटन है जी। आपने इन्फ्लेटेबल क्यों चूज़ किया? सर, इन्फ्लेटेबल चूज़ करने का सबसे बड़ा रीज़न जो था कंसीलेबिलिटी थी। लोगों ने जब डिस्कस किया, काफ़ी जगह डिस्कस किया, तो लोगों ने कहा कि हार्डनेस जो है वो निस्बित रहती है, जो मैलेबल होते हैं वो शायद थोड़े ज़्यादा हार्ड होते हैं ऐसा बोला जाता है, और उसमें लेकिन जो हम लोगों को जैसे जिस टाइप की लाइफस्टाइल हम जीते हैं तो उसमें कंसिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हम कंसिलिटी को मतलब ये नहीं कह सकते कि एक मतलब हर समय जो मतलब रहता है, हालांकि मुझे यहाँ पे कई लोगों ने जैसे बताया कि जो हिंज वाला इम्प्लांट है, इंडियन इम्प्लांट, वो भी बहुत अच्छा है। अब तो रिजिकॉन ने भी 135 डिग्री तक वो कह रहे हैं कि उसको झुकाया जा सकता है, तो इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं। मे बी कभी अगर हम लोगों का इम्प्लांट में कोई प्रॉब्लम, आई थिंक मैं एग्री करता हूँ कि कंसीलेबिलिटी के अंदर इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट से बेटर इम्प्लांट जी, दैट इज कॉल्ड गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर अ रीजन सर। ओके जी, तो आपका मेन रीजन कंसीलेबिलिटी था, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल और आपकी जी, जो परिस्थितियाँ है जी, उसमें आप बिल्कुल नहीं चाहते थे कि थोड़ा सा भी पब्लिकली आपको कभी हाँ कोई थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट हो जाता है, थोड़ा सा एम्बैरेसिंग हो जाता है। और कुछ अच्छा, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में ट्रैवल भी करते हैं जी, फ्लाइट भी लेते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं जी, क्या कभी इस इम्प्लांट की वजह से आपको एयरपोर्ट पे दिक्कत आई? नेवर, नॉट एवर, नाइदर इन डोमेस्टिक नॉर इन अब्रॉड, कभी नहीं। तो जैसा बता रहे थे कि इंटरनेशनल ट्रैवल भी किया आपने, इंडियन ट्रैवल भी किया आपने, तो कभी आपको एयरपोर्ट पर रोका नहीं गया अपने इम्प्लांट की वजह से? कभी नहीं, कभी। तो कभी भी ऐसा तो नहीं कि क्योंकि आप वीआईपी दर्जे में आते हैं इस कारण से? नहीं सर, ऐसा नहीं है। जस्ट रिसेंटली वेंट टू विद माय फैमिली टू दुबई, और वहाँ पे जब स्कैनर से मैं पास हुआ तो एज अ रेगुलर ही पास हुआ था, लोगों के साथ ही पास हो रहा था, तो बस कोई भी मुझे इस तरीके की कोई इशू तो आया नहीं, और ना ही कभी किसी ने टोका नहीं, तो जब टोकते नहीं है तो कोई ध्यान भी नहीं इन चीज़ों पे ध्यान देता है। बिल्कुल, तो आपने जब इन्फ्लेटेबल पिनाइल इम्प्लांट की अपनी रिसर्च करी जी, तो जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो इम्प्लांट करते हैं, और बहुत अच्छी बात है कि करते हैं, क्योंकि इस तरह से ये फील्ड इंडिया में उजागर हो रहा है जी, ग्रो हो रहा है। जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, जैसे नए डॉक्टर्स आएंगे तो क्वालिटी बढ़ेगी, ठीक है, आदमी मेहनत करेगा और बेटर करने के लिए, तो जब भी कंपटीशन बढ़ता है रिजल्ट बढ़ता है, पर आपने हमारे सेंटर को क्यों चूज़ किया, व्हाट आर द रीजंस? सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आपका कैंडिडेट तरीका है चीज़ों को समझाने का, और शुरुआत से ही टेंजिंग मैम से, सबसे पहले मेरी बात जब हुई थी तो टेंजिंग मैम से स्टार्ट हुआ था, फिर उसके बाद में जो आपने मतलब जिस तरीके से समझाया मुझे चीज़ों को, और मैं और जितने भी यहाँ पे जितने लोग डॉक्टर हैं, चाहे वो इम्प्लांट करते हैं, इंडियन इम्प्लांट करते हों या थ्री पीस में करते हों, मैं सबसे पहले बात करी थी, लेकिन आपका जो मतलब सबसे जेन्युइन जो मुझे समझाने वाले या किसी ने जो मतलब एक्सपेक्टेशंस को रियल रखने की जो सबसे सही सलाह आपने दी, उतनी अच्छी मुझे किसी ने नहीं दी, ये एक बहुत बड़ा रीज़न था। और फिर मुझे लगा कि जब मैंने आपकी सर्जरी के वीडियो देखे तो आपका प्रोसीजर एज इट इज़ वही था जो इंटरनेशनल पेरिटो लाइक द ग्रेट्स मिस्टर पेरिटो हैं और भी हैं, क्रेमर हैं, और भी लोग हैं जिनके वीडियोस मैंने देखे लगातार, और क्योंकि उस समय इतना ज़्यादा टेंस होता है आदमी, तो वी ट्राई टू लर्न एवरीथिंग बाय हार्ट, तो वो सर्जरी के स्टेप्स भी याद कर लेते हैं, तो वो उस चीज़ को मैं किया, तो बिल्कुल आपका बिल्कुल, और हाथ बहुत सधा हुआ, जो सर्जिकल परफेक्शन मेरे केस में मुझे मिली, मैं तो देखिए दोबारा फिर इसी बात पे आया, इसी वजह से आया, क्योंकि क्योंकि मुझे आप पे बहुत भरोसा है। थैंक यू जी, थैंक यू। तो इन्फ्लेटेबल प्रोस्थेसिस के अंदर जैसे पेशेंट्स को डाउट रहता है कि तीन पार्ट है जी, कितना बड़ा चीरा आ जाएगा, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाएगी, बहुत पेन हो जाएगा, हम चल नहीं पाएंगे, पेट के अंदर रिजर्वायर जा रहा है जी, तो आपकी हीलिंग प्रोसेस के बारे में आप क्या कहेंगे, मतलब बहुत डिफिकल्ट था, मॉडरेट था? नहीं, हीलिंग प्रोसेस में जैसे जो शुरुआत में पहले दो हफ्ते तक वो आपको जेल पैड से अपनी सिकाई करना और एंटीबायोटिक्स का कोर्स पूरा कंप्लीट कर लेना, उसके बाद में धीरे धीरे वो यूज टू हो जाता है सब चीज़ें, पेन कोई विशेष होता नहीं है, पेन का जो बनाया गया है कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, ऐसा पेन कोई इतना ज़्यादा होता नहीं है। आप कितनी जल्दी काम पे चले गए थे वापस? मैं सर आफ्टर
मैं चला गया था, मुझे लगता है कि मैं एक हफ्ते, मैं तो यहाँ से अपने आप फ्लाइट लेके गया था, ठीक है, और उसके बाद में मुझे लगता है एक हफ्ते के बाद मैंने अपनी ऑफिस को ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन कर लिया जी, ठीक है। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, कई मरीज़ कहते हैं कि पंप ढूंढना, इन्फ्लेट करना, डिफ्लेट करना, आपको स्टार्टिंग और अब तकरीबन कितना टाइम लगता है अपने इम्प्लांट को पूरा इन्फ्लेट करने में और डिफ्लेट करने में? इट इज़ अ मैटर ऑफ सेकेंड सर, मैटर ऑफ सेकेंड्स। ये बहुत ईजी है, एक बार वन यू आर यूज टू और आपको डेक्सटेटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सेकेंड। बहुत मतलब आप लेटे लेटे भी अपना आराम से किसी भी पोजिशन में, आपके इतनी मतलब एक्सपर्टीज हो जाती है उसमें अपने आप में कि आप किसी भी पोजिशन में उसको इन्फ्लेट कर सकते हैं, किसी भी पोजिशन में चाहे तो डिफ्लेट कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी। अब हम एक नेगेटिव मुद्दे पे आएंगे जी। तो थ्री पी स्पिनल प्रोस्थेसिस में सबसे बड़ा डर पेशेंट्स का होता है कि खराब हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है, तो खराब होगा तो हम क्या करेंगे? और अनफॉर्चुनेटली आपका 3 साल बाद इम्प्लांट खराब हुआ भी इस समय जी, तो क्योंकि इसका जो आपका इम्प्लांट का जो रिजर्वर का जो लीक था वो तो हमने सही नहीं पता लगाया, पर आपका इम्प्लांट खराब हुआ जी, 3 साल से अच्छा चल रहा था, सडनली खराब हुआ। हाँ जी, तो आप मन में लगा नहीं आपको कि सब कह रहे थे कि मत लगवाओ इन्फ्लेटेबल? अगर आपको मैं उस टाइम बताता कि ऐसा 3 साल बाद ये खराब हो सकता है तो क्या तब भी आप इन्फ्लेटेबल कराते? सर मैं इन्फ्लेटेबल ही कराता क्योंकि वर्ल्ड ओवर ये मेल फंक्शन 2-5% तो हर जगह मैकेनिकल मैनिफिक्शन रहते ही हैं, और बाकी जो लॉन्जिविटी है इम्प्लांट की वो अराउंड 10-15 ईयर्स 75% केसेस में रहती है। तो एक ये एक मतलब अब किसी चीज़ ख़राब होने को तो कोई भी चीज़ ख़राब हो सकती है। मेरे केस में जैसे आपने मुझे बताया कि शायद आई वॉज डूइंग बाई पम्पिंग एग्रेसिवली, दिस कुड बी अ रीज़न कि मैं एग्रेसिव पम्पिंग करता था, और उसमें तो चूँकि अब कई सारे डॉक्टर्स के सारे सुनते हैं हम लोग, जैसे कुछ डॉक्टर्स ये कहते हैं कि टू इंक्रीज इन्हेंस द गर्थ एंड लेंथ आप उसको मूव करें, साइड वाइड मूव करें और फिर उसके बाद 2 पंप और दें, फिर उसके इस तरीके से, तो ये सब चीज़ें रहीं। अगर मुझे लगता है कि मैं उसको एक मतलब मॉडरेट फैशन में यूज़ करता और उसके साथ में जेंटल रहता तो मुझे नहीं लगता है कि ये मेल फंक्शन होता। पर मुद्दा ये है कि इवन दो मेल फंक्शन का चांस है जी, पर इससे जो सहायता मिलती है कंसीलेबिलिटी में और सेक्स में जी, तो आप फिर भी इन्फ्लेटेबल ही चूज करते हैं जी 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 हमेशा, ठीक है। तो मैं बार बार दर्शकों को बताता हूँ कि अगर इन्फ्लेटेबल जैसे मेरे पेशेंट आते हैं खराब हो जाएगा तो हम कहते हैं खराब हो जाएगा तो कंपनी वारंटी देती है। हाँ जी, और हम उसको ईजिली रिप्लेस कर सकते हैं जी, जैसे हमने कल आपकी सर्जरी करी रिप्लेस किया जी, तो क्या हमारी वारंटी की बात सच है या हम ऐसे ही बस? नहीं नहीं सर, 100%। मैं तो जिस समय आपको बोला था उसी समय आपने बोला कि तुरंत आप MRI करा के और मुझे बता दीजिए कि क्या इसमें प्रॉब्लम आई थी, और फिर उसके बाद में आपने मतलब तुरंत ही उसको मतलब जो भी मुझे असिस्टेंस के रूप में चाहिए था आपने तुरंत किया वहाँ, बाकी मैडम ने तुरंत वहाँ से जो भी था मैं आ गया, एक क्योंकि वाइफ की प्रेगनेंसी का मैटर था इस वजह से मैंने अपनी तरफ से डिले किया था, और प्रेगनेंसी नहीं होती तो मैं पहले ही आ जाता आपके पास में। तो जैसे रिविजन करा हमने जी, तो मुझे लगता है रिविजन तो ओरिजिनल से भी कम पेनफुल है, यू आर मच फीलिंग मच बेटर टुडे। यस यस यस, बिकॉज ऑलरेडी स्पेसेस बन चुकी है, हमें सिर्फ उसमें से पुराने इम्प्लांट को निकाल के नया इम्प्लांट जी लगाना होता है। क्या रिजिकॉन कंपनी की तरफ से कोई डिफिकल्टी है आपको? आपको हमने बात करने के लिए कहा था, मतलब आई थिंक जो कंपनी रिप्रेजेंटेटिव है हाँ जी वो भी बहुत प्रॉम्प्ट थे आपको। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, रिजिकॉन के जो कंपनी रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने भी तुरंत मुझे समझाया और आपके बारे में भी बताया था उन्होंने कि सर ही सबसे ज़्यादा कर रहे हैं और अगर आप बिल्कुल सही जगह पे हैं तो अब वो तो शायद मुझे लगता है कि वो ऑल ओवर इंडिया शायद इस चीज़ को एक्सपेंड कर रहे हैं। अब तो धीरे धीरे प्लांट हर जगह अवेलेबल हो गया जी। तो आपने बीच में मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर अब जैसे मेरा इन्फ्लेटेबल अब मैं इसको नेक्स्ट टाइम मेलेबल जाऊँ या इन्फ्लेटेबल हो जाऊँ कि आपको इन्फेक्शन का डर था। हाँ जी, तो हमारे सेंटर पे अभी तक तो टचवुड इन्फेक्शन नहीं हुआ, तो क्या लगता है कि हमारी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस ठीक है? हाँ जी बिल्कुल सही है, OT बहुत नीट एंड क्लीन है और सब चीज़ें जो हैं वो बहुत बेहतर हैं। हमारे बारे में कुछ क्रिटिसिज्म या कुछ चेंज देना बताना चाहेगा जो हम चेंज कर सकते हैं अपने बारे में? एक तो भीड़ है, मेरे को बहुत लोगों ने बोला है कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, भीड़ वाला इशू है सर मिलने पे जैसे, और कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा ये है कि जैसे किसी ने टाइमिंग दे दिया है किसी आपके असिस्टेंट ने तो सर आप अवेलेबल नहीं हो पाते हैं एकदम से, तो ये थोड़ा सा रहता है, अदरवाइज आई थिंक ठीक है। क्योंकि कई पेशेंट्स का यही कटा मतलब है कि भाई आपके यहाँ भीड़ और वेटिंग टाइम ज़्यादा है जी, और उस कारण से कई बार आपसे ढंग से अपने दिल की बात नहीं कर पाते हैं जी जी जी। पर आई थिंक क्या एक्सप्लेनेशन करने में या आपको समझाने में कभी कोई कसर हमने नहीं नहीं रखी है? अगर मैं तो आपसे देखिए मैं तो बाहर आप तो लिख के क्वेश्चन लाए थे हाँ, मैं तो लिख के और मैं तो व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ आपको, और सर आप जब भी टाइम पाते हैं आप तुरंत रिप्लाई कर देते हैं मुझे, ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो थैंक यू, आई होप दिस इम्प्लांट रन्स फॉर इट्स लाइफ टाइम।
एंड एग्रेसिव पंपिंग थोड़ा अवॉइड करेंगे जी। कई बार पेशेंट को लगता है कि और हार्डनेस, उनको लगता नहीं उतनी हार्डनेस की रिक्वायरमेंट होती है रेगुलर सेक्स के लिए। एंड थैंक यू फॉर द रिव्यू। एंड अगर एक मैसेज आप देना चाहे जो मरीज देख रहे हैं एक्चुअली सोच रहे हैं इम्प्लांट के बारे में, उनको क्या मैसेज आप लास्ट में देखिए, मैं सबको यही बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग सारे प्रोसीजर्स और ये सब चीज़ें अडॉप्ट कर चुके हैं और आप लोगों को लगता है कि उनसे कोई ज़्यादा खास फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, इट इज़ योर लाइफ। और जितनी जल्दी हो सके सही डिसीजन लीजिए। इम्प्लांट एक अच्छी चीज़ है और इम्प्लांट से आपकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है और सेल्फ इस्टीम है लाइफ की, वो बहुत बढ़ जाती है। आपके कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही आ जाएगा आपका जब आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, मैरिड होंगे, गर्लफ्रेंड के साथ में होंगे, इस तरीके से। तो ये चीज़ों का बहुत अंतर पड़ जाता है सर। एक आदमी हर समय जो मतलब एक सोशल टच से दूर भागे और एक आदमी जो है वो खुल के सबसे मिले, ये दोनों चीज़ों में उसके कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा झलकता है। बिल्कुल। और इसी को देखते हुए अभी आप जानेंगे कि AU है, मतलब अमेरिकन एसोसिएशन, और EU है, यूरोपियन एसोसिएशन, ने अपने गाइडलाइंस चेंज किए हैं। 2019 से पहले ये दोनों एसोसिएशंस ये बोलती थी कि इम्प्लांट लास्ट ऑप्शन है, पर इसी नज़र देखते हुए किस तरह मरीजों की लाइफ चेंज हो रही है, दवाइयाँ देना बंद हो जाता है, मरीज अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ठीक हो जाते हैं, करियर में परफॉर्म कर पाते हैं, दोनों ने बोला है कि इम्प्लांट्स को हम फर्स्ट लाइन में भी ऑप्शन ऑफर कर सकते हैं अगर मरीज दवाई ना लेना चाहे या दवाई से उसको साइड इफेक्ट हो रहा है, प्रायोरिटी दे सकते हैं। तो इम्प्लांट आज के दिन फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की। पिनाइल इम्प्लांट्स अच्छी जगह पे कराने से रिजल्ट ठीक मिलता है और आप जैसे मरीज ही आगे आने वाले मरीजों को कॉन्फिडेंस देते रहे, यही बस सोच के आज का टॉपिक। किसी के काम आ जाऊं बहुत, तो मेरी बात से अगर किसी का